परंतु भाजपा के महानगर अध्यक्ष की मानसिकता इतनी गिरी हुई है, उसको पूरे समाज से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं। उसका कहना था कि मेरे घर में सैनिटाइजर होना चाहिए, कहीं ना होना चाहिए। मुझे सूचना मिली कि हमारे सफाई नायक को मां बहन की जाति सूचक गालियां दी। बोले साले तुम लोगों की औकात क्या है, मैं भाजपा का महानगर अध्यक्ष हूँ, मेरे घर में सबसे पहले सैनिटाइजर होना चाहिए। एवीएन नेटवर्क देशवासियों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए घरों से ना निकलें, मुश्किल घड़ी में प्रशासन की मदद करें, प्रशासन को सख्ती करने पर मजबूर ना करें। एवीएन सभी बड़ों बुजुर्गों से अपील करता है कि वे अपने अपने गांव मोहल्लों में लोगों को समझाएं कि घरों से ना निकलें। हम सभी मस्जिदों के मुतवल्लियों, पेश इमामों और मंदिरों के पुजारियों से अनुरोध करते हैं, दरखास्त करते हैं कि वे मस्जिदों और मंदिरों से लगातार लोगों को समझाते रहें कि फालतू घरों से ना निकलें। लॉकडाउन के चलते जहां आम नागरिकों के साथ ही पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी, आर्मी के लोग तन मन धन से गरीबों की सेवा में लगे दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा ही गरीबों पर तरह तरह के हमले करने में लग गए हैं। जहां दो दिन पहले बरेली में भाजपाई सभासद ने मजदूर परिवार को बुरी तरह पीटा था, तो आज शाहजहांपुर में एक भाजपाई ने सफाई कर्मचारियों के साथ जमकर अभद्रता की। दरअसल बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने सफाई नायक अर्जुन के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज किया, जिस पर सभी सफाई कर्मचारी गुस्सा गए और उन्होंने सफाई का काम रोककर कोतवाली चौक सदर तहसील के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जी क्या बात हुई, क्या नाम है आपका? हमारे साहब ने नंबर दिया था कि इस नंबर पर बात कर लो, क्या काम होना है। हमने जब उनसे पूछा, हमने आप अरुण जी बोल रहे हैं, तो उन्होंने सीधे कहा कि हाँ। तो हमने कहा आपके यहाँ क्या काम होना, सैनिटाइजर होना है, फिर गालियां दी हमें। मालूम मैंने 9 बजे के लिए कहा था और 9 बजे से अभी तक तो आ नहीं पाया, तो हमने कोतवाली क्षेत्र में 2 घंटे बाद आएंगे, आज पूरे दिन मशीन मेरे पास है। तो फिर कहा कि हमने कहा 2 घंटे बाद, आप तो 2 बजे आ चाहे 12 बजे आ। संघ प्रदेश सचिव होने के नाते जैसे मुझे सूचना मिली, मैं रोज दिन रात अपने कर्मचारी के साथ में रहता हूँ, ये देखता कोई अभद्र व्यवहार न करे। हमारे कर्मचारी दिन और रात 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, परंतु भाजपा के महानगर अध्यक्ष की मानसिकता इतनी गिरी हुई है, उसको पूरे समाज से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं। उसका कहना था कि मेरे घर में सैनिटाइजर होना चाहिए, कहीं ना होना चाहिए। मुझे सूचना मिली कि हमारे सफाई नायक को मां बहन की जाति सूचक गालियां दी। बोले साले तुम लोगों की औकात क्या है, मैं भाजपा का महानगर अध्यक्ष हूँ, मेरे घर में सबसे पहले सैनिटाइजर होना चाहिए। अब आप ही लोग बताइए कि हम लोग जनता की सेवा में लगे हैं, दिन रात लगे हैं, बगैर सुरक्षा के लगे हैं, हमको सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं मिले हैं, हम अपनी जान जोखिम में डाल के अपने बच्चों को घर पे छोड़ के ये कार्य करा रहे हैं, उसके बावजूद अगर भाजपा के महानगर अध्यक्ष लोग हमारे लोगों संग ऐसे अभद्र व्यवहार करेंगे तो हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे, जिससे जनता में जो भी परेशानी होगी। अब ये देखते हैं कि पब्लिक हमारे साथ में है, या भाजपा के वो उच्च नेता उस भाजपा के लीडर को बचाने का काम करेंगे, या भाजपा के नेता जो स्वच्छ भारत के मिशन को चलाने का काम करते हैं। वाकई में अगर हम सच्चे सिपाही हैं कि ये भाजपा के लोग हमारा साथ देते हैं या ऐसे नीच व्यक्ति का साथ देते हैं, ये अब देखना आप लोगों को है। सहयोग मुझे पूरी जनता का चाहिए, हम जनता को कोई परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन मेरी अब यही मांग है कि ये भाजपा का नेता जब तक जेल नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब हमें कोरोना का डर नहीं तो पूरी जनता को कोरोना का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन रात कोरोना से हम ही लोग लड़ रहे हैं, बिगड़ सुरक्षा उपकरणों के, बिगड़ ग्लव्स के, बिगड़ मास्क के हमारे कर्मचारी दिन और रात काम कर रहे हैं। इस मामले में आपने अभी तक कोई शिकायत कोई कहीं? हमने अभी प्रार्थना पत्र कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दे दिया है। अब हम ये देखते हैं कि एफआईआर दर्ज होती है या उसको जेल भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता। जब तक उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, मेरा कर्मचारी अपने काम पर स्थायी स्तर पर खड़ा रहेगा, लेकिन सफाई का कोई कार्य नहीं करेगा जब तक वो जेल नहीं जाएगा।